से पहले बात पेट्रोल डीजल की करेंगे, जिसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ये लगातार 12वां दिन है जब ये बढ़ोतरी देखने को मिली है और पेट्रोल 53 पैसे और डीजल 64 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 77 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की नई कीमत 76 रुपए 43 पैसे हो गई है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 80 रुपए टच करने में ज्यादा देर अब नहीं लगेगी दामों को, जिस तेजी के साथ ये मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो रोजाना 50 पैसे 60 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 75 रुपए को पार कर चुकी है और ये जल्द ही 80 रुपए तक पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे, लेकिन उस वक्त सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, कुछ राज्यों ने वैट बढ़ा दिया, जिसके बाद जो रेट कम होने चाहिए थे, जिसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। आपको बता दें शोएब रजा दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, पवन त्रिपाठी नोएडा में हैं, लोमस शाह लखनऊ में हैं, नवीन पांडे वाराणसी में हैं, कुलदीप नेगी देहरादून में हैं। इन सभी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले शोएब, आप बताइए कि आप ये माना जाए कि 80 रुपए को छूने में ज्यादा दिन लगने वाले नहीं है, जिस तरीके से 12वें दिन भी आज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। बिल्कुल लोकेंद्र, देखिए दिल्ली में तो कम से कम यही कहा जा सकता है कि 80 रुपए जो दाम है वो छूने में ज़्यादा वक्त शायद नहीं लगेगा। जिस तरह से रोज़ाना जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है, आज भी जो पेट्रोल की कीमत है वो 53 पैसे बढ़ी है, वहीं डीजल की जहाँ तक बात है तो 64 पैसे यहाँ पर बढ़ाई गई है और पिछले 12 दिनों से लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। एक तस्वीर में दिखाऊं जो कीमतें हैं, आज जो लिखा भी हुआ है पेट्रोल पंप मौजूद है हम यहाँ पर कि 18 तारीख आज है और पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 77 रुपए 85 पैसे और डीजल की जो कीमत है वो 76 रुपए 47 पैसे है। हालांकि हरियाणा या अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से थोड़ा कम जो कीमतें हैं वो होगी, लेकिन दिल्ली में इस वक्त जो कीमतें हैं वो इतनी हैं। और जो एक फासला हुआ करता था लोकेंद्र, आपको भी याद होगा डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें थी वो बड़ी एक तरीके से दूर रहा करती थी पहले, लेकिन अब इतनी नज़दीक आ गई है कि 1 रुपये का भी जो फर्क है वो नहीं रहा है और लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी जो बात होती है जब भी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती है तो ट्रैवलिंग पर इसका असर होता है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे फल हो, सब्जी हो या दूसरे जो ज़रूरत के सामान है वो ट्रक के ज़रिए दूसरे जो वाहन है उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनकी कीमतें यानी कि लागत उनकी बढ़ती है एक जगह से दूसरी जगह लाने की, तो उसके दाम भी खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर और ना सिर्फ आप बाइक या गाड़ी जो चलाते हैं उसी के जरिए आप पर पड़ता है, बल्कि दूसरी जो चीजें हैं उसके उस पर भी आपकी आप जो जिंदगी है उस पर पड़ता है। तो लोग यही गुजारिश तो सरकार से करते रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कीमतें थी वो कम थी तभी हमारे देश में जो दाम है वो बढ़ते रहे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई थी उस वक्त भी, लेकिन अभी भी जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है पिछले 12 दिनों से, और अब तक की बात करें तो कीमतें बढ़कर करीब 6 से 7 रुपये तक का भी जो इजाफा है वो दिल्ली में कम से कम कहेंगे कि यहाँ पर होता हुआ नजर आया, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों की जो परेशानी है वो एक तरीके से बड़ी हुई नजर आ रही है। लोकेंद्र, और दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ नोएडा, पवन, नोएडा में अभी ताजा स्थिति क्या है, कितने रुपए दाम बढ़े हैं और क्या रेट अभी चल रहा है, और अब जैसे जैसे 80 छू रहा है, क्या आपको लगता है कि लोगों की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ रही होगी, क्योंकि वैसे ही लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई हैं, सैलरी कट हुए हैं, नौकरी नहीं है, ऊपर से महंगाई की मार। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में लोगों की जमा पूंजी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुकी है और अब जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई कीमतों ने उनके जेब पर और भी ज़्यादा भार डाल दिया है। मैं आपको रेट लिस्ट दिखाना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आप रेट लिस्ट देखेंगे तो महज 80 रुपये पेट्रोल पहुँचने वाला है, और 80 रुपये जो पेट्रोल है उसके पहुँचने में आप देखिए
महज कुछ पैसे कम है, यानी कि 79.07 आज का ये प्राइस है, यानी 80 रुपए पहुंचने में मात्र 93 पैसे कम है, यानी कि जैसे ही 93 पैसे और बढ़ेंगे पेट्रोल की कीमत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 80 रुपए पर पहुंच जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी 70 रुपए के पास पहुंच चुका है, आप देखिए 69.38, यानी कि साफ तौर पर लोगों की जेब पर डाका पड़ना शुरू हो चुका है। और इसका असर सिर्फ लोगों की जेब पर ही नहीं पड़ेगा, इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, इसका असर हर उस सामान पे पड़ेगा जिसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, हर चीज़ अब महंगी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल अगर महंगा होता है तो इसका साफ असर आम जनता की ज़िंदगी पर देखने को मिलता है। पिछले 7 तारीख से ये रेट बढ़ना शुरू हुए, रेट लिस्ट हमारे पास है। अगर हम बात करें तो देखिए 13 तारीख को जहाँ पर एक तरफ पेट्रोल 67.53 था, वहीं आज ये पेट्रोल 69.38 है। और अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 13 तारीख को 77.52 था और आज 18 तारीख है, यानी कि महज 93 पैसे दूर है 80 रुपए पहुंचने से। और 80 रुपए एक बड़ा आंकड़ा होता है, एक आम आदमी की ज़िंदगी में ये पेट्रोल की कीमतें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ना तो वाहन चालकों बल्कि उसके अलावा जितनी भी और ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं, चाहे वो फल, सब्जी, दूध, अनाज, कुछ भी हो, उन सब में इन पेट्रोल के दामों को जोड़कर, इन डीजल के दामों को जोड़कर देखा जाता है और महंगाई लगातार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक आम आदमी की जेब पर अब डाका पड़ना शुरू हो चुका है और आने वाले समय में उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देहरादून में क्या रेट है अभी? और जैसे पवन बता रहे थे कि अब महंगाई की मार लोगों पर पड़नी शुरू हुई है, क्या यहाँ भी 80 के आंकड़े को जल्द छू सकते हैं दाम? जी कुलदीप, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पिछले एक हफ्ते से देखें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और आज जो रेट है फिर से उनमें इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल की बात कर लें तो पेट्रोल 41 पैसे आज बढ़ गया है और इसी के साथ जो डीजल है वो 49 पैसे आज बढ़ गया है। यानी अगर पेट्रोल में 41 पैसे और ज़्यादा बढ़त होती है तो 80 के पार ये पेट्रोल के दाम पहुंच जाएंगे, 80 रुपये प्रति लीटर। और इसी तरीके से डीजल के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अनलॉक का पीरियड चल रहा है और अनलॉक के पीरियड में जिस तरीके से तेल के दामों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में आम आदमी की जेब पर ये जो अतिरिक्त बोझ है वो पड़ता चला जा रहा है। लोगों का सीधे तौर पर मानना है कि पहले ही लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, बहुत से लोगों का कामकाज भी छूटा है, ऐसे में अब जिस तरीके से तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है तो ऐसे में उन पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, आर्थिक बोझ लगातार उनकी जेब पर बढ़ता ही चला जा रहा है। लाजमी है कि जब तेल के दामों में इजाफा होगा तो इसका असर और भी खाद्य पदार्थों में पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरीके से जिक्र भी हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होता है डीजल के बढ़ते दामों के चलते, तो सीधे सीधे और भी जो वस्तुएं हैं उन पर इसका असर पड़ना लाजमी है। हालांकि ये देखना होगा कि उन पर इसका असर ना पड़े, उन्हें किस तरीके से नियंत्रित उनके बढ़ते दामों को किया जाता है, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में लाजमी है कि आम आदमी पर अब आर्थिक बोझ बढ़ता चला जा रहा है, उसकी जेब पर जो बोझ है वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी की जो जेब है उस पर अब बोझ बढ़ रहा है। और हमारे साथ लोमस भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुलदीप, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। और लोमस, क्या रेट इस वक्त लखनऊ में है और जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, क्या सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अगर रेट कम हुए थे तो उसका फायदा आम जनता को मिलना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, अगर जो कि जो मार्केट में रेट लगातार कम हो रहे हैं उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार को देश में भी लाना चाहिए और पूरी तरीके से जो रेट हैं लगातार जो 12वें दिन भी आज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अगर रेट की बात करें तो 78.97 रुपये पेट्रोल हो चुका है और 69.29 रुपये डीजल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कुछ लगभग अगर कल रेट इसी तरीके से बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये जो 80 का आंकड़ा है वो पूरी तरीके से पेट्रोल
छू लेगा और लगातार जिस तरीके से 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानी हुए वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो आर्थिक दबाव लगातार जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आर्थिक दबाव बढ़ते हुए नजर यहाँ आ रहा है लोगों के जेबों पे, तो इस महामारी के दौर में लगातार लोग ऐसे ही परेशान चल रहे हैं और इस तरीके के अगर बढ़ोतरी होती रही पेट्रोल डीजल में तो कहीं ना कहीं वो बढ़ोतरी से लोग और परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना का दौर है लोग ऐसे ही अपने जरूरत के सामानों को लेकर के काफ़ी परेशान है, अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, अपने घर परिवार को लेकर परेशान है, और इस तरह का पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ते जाए तो कहीं ना कहीं वो उस बढ़ोतरी से और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसका सीधा असर खाद्य सामग्री पर पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर उनके रोजमर्रा के जो कामों पे है वो भी पड़ने वाला है। तो इसको लेकर के जो लोगों की उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द फैसला ले और जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट है उसमें जो कमी आती है उसको यहाँ पर भी डिप्लॉय करे, कहीं ना कहीं उसके जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो रेट है उसको भारत के अंदर भी लागू किया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के रेट सरकार कम करेगी। और जिस तरीके से जो 12वें दिन आप देख सकते हैं 40 पैसे 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है उसको कम किया जाएगा। हमारे साथ वाराणसी से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वाराणसी में क्या स्थिति है इस वक्त नवीन, और क्या रेट आ चुके? जी बिल्कुल, चूंकि वाराणसी में भी लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिस वजह से लोगों की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। चूंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है लोग परेशान थे, बेहाल थे, लेकिन उसके बाद लगातार 12वें दिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने उछाल लेना शुरू किया है उससे आम जन की जेब ढीली करने का काम किया गया है। वाराणसी में अगर बात करिए जाए तो पेट्रोल 41 रुपये आज महंगा हुआ है और डीजल की बात की जाए तो डीजल 49 रुपये महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 79.52 पहुंच चुकी है, मतलब 48 पैसा अगर पेट्रोल बढ़ जाए तो 80 के करीब वाराणसी में पेट्रोल पहुंच जाएगा, और 69.84 मतलब 70 रुपये से कम पेट्रोल डीजल मिल पहुँच चुका है। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार लोगों को परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है, बजट लोगों का गड़बड़ा जा रहा है, इसके साथ साथ जो महंगाई है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। कीमत बढ़ रही है उससे कितना प्रभाव डालती है? तो हम लोगों को परेशानियों में डाल दी है सर, बजट है ही नहीं, कैसे क्या किया जाए, लेकिन मजबूरी है, दो पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, तेल जलाया जा रहा है, मजबूरी है, लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या किया जाए सर, मजबूरी है, 10 रुपये कमाने के लिए 2 रुपये का तेल जला करके 8 रुपये बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्या करें। किस तरह के पेट्रोल के दाम आज पहुंचे हैं, कितना बढ़ा है पेट्रोल का दाम आज? 40 पैसा बढ़ा है और सिर्फ से पेट्रोल दाम बढ़ा है। क्या संख्या में कमी लोगों को आती है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं लोग आना कम होते हैं, या क्या स्थिति होती है? नहीं नहीं, इसकी किसी कोई प्रभाव नहीं है। लगातार कितने दिन बढ़े हैं? हाँ हाँ, कितने दिन लगातार बढ़े हैं पेट्रोल? 4-5 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई कमी नहीं है। तो लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चूंकि जो हालात चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हुई होती हुई दिख रही है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टरों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है जिस तरह से डीजल के दाम। बिल्कुल, ये वाराणसी की तस्वीर हमारे सहयोगी नवीन पांडे दिखा रहे थे। हमारे साथ पवन भी लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, अगर वहां पर नोएडा में लोगों से कुछ बातचीत हो पाए सरकार से, क्या ये उम्मीद वो इस वक्त कर रहे हैं कि सरकार उन्हें कोई राहत देगी ऐसे समय में जब काफी नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ा है, जो तेल कंपनियां हैं उनको भी उठाना पड़ा है, तो क्या उन्हें उम्मीद है कि उन्हें आने वाले दिनों में राहत दी जाएगी, या वो ये मानकर चल रहे हैं कि 80 और उससे भी ज्यादा दाम पर उन्हें आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। अभी आप पेट्रोल डलवा के आ रहे हैं, मुझे लगता है लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकारें जिस तरीके से दाम बढ़ा रही हैं तो आप लोगों की जेब पर बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा? अरे सर, जेब पर क्या, यहाँ तो पूरी ज़िंदगी भी भार पड़ गया है, सैलरी वैलरी सब कुछ ख़त्म, मतलब उसमें भी आपको घाटा हो रहा है, सैलरी भी नहीं मिल रही, लॉकडाउन में जो सेविंग थी वो भी खत्म हो रही है, सारा कुछ खत्म हो गया है, जबकि नौकरी तक जाने की नौबत आ गई है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है कहाँ, सबको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। बिल्कुल, और अब पेट्रोल के दाम लग बढ़ रहे हैं, यानी महंगाई बढ़ेगी सारे चीज़ों के दाम? सर महंगाई तो इस लॉकडाउन में भी खूब बढ़ी है, कम कहाँ हुई है, प्रॉब्लम आप लोगों को आम जनता को फेस करनी पड़ेगी? सर हमें तो लगता है कि जनता को ही फेस करनी पड़ेगी जो मिडिल क्लास है। सरकार से और तेल कंपनियों से क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में इन्हें रोका जाए, या अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हालात बहुत बेकाबू हो जाएंगे?
सर बस राशन सस्ता कर दिया जाए, तेल तो देखा ही जाएगा, ज्यादा तेल से नहीं खाने से जिंदगी कटेगी ना। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से ये लोग निकल रहे हैं, लॉकडाउन में अपनी जमा पूंजी खत्म कर चुके हैं, नौकरियों पर संकट है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और अब तेल पे लगातार जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जो पेट्रोल पंप पे जो लोग भी आ रहे हैं वो मुश्किलों का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर उन्हें बाहर कमाने के लिए निकलना है तो अपने वाहनों से निकलना होगा और वाहनों से आने जाने में उन्हें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, उन्हें अपने काम गंतव्य पे पहुंचना पड़ेगा और इसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा। इसीलिए लोगों के साथ दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं और इस पेट्रोल पंप पे भी जो लोग आ रहे हैं वो पेट्रोल भराने के बाद यही कहते नजर आ रहे हैं कि इस लॉकडाउन ने उनका बहुत कुछ छीन लिया है और अब लगातार जब ये दाम बढ़ते चले जाएंगे तब उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा।